हेलो फ्रेंड, न्यू वीडियो के साथ हैं और आज का टॉपिक है लिंकेज। फ्रेंड, इससे पहले दो पार्ट जेनेटिक्स का अपलोड हो चुका है, ये थर्ड पार्ट है और टॉपिक लिंकेज है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्रॉसिंग ओवर का बात करेंगे। सो लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आज देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्रॉसिंग ओवर देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ईजी, हु क्वाइंड द टर्म लिंकेज, लिंकेज टर्म किसने दिया? तो ऑप्शन गिवन है आपके पास, कोरेंस, मेंडल, मॉर्गन, डिवेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गन, मॉर्गन ने दिया था लिंकेज टर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल डिड नॉट ऑब्जर्व लिंकेज ड्यू टू, ऑप्शंस गिवन है आपके पास, म्यूटेशन, सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक्चुअली जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको क्रोमोसोम के बारे में आइडिया नहीं था। जब क्रोमोसोम के बारे में आइडिया नहीं था तो उनको पता ही नहीं था कि जो जीन वो एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं वो लिंक्ड कैसे हैं, जुड़े कैसे हैं, पेयर में हैं या डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं या सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं। सो उन्होंने जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ था उसमें उन्होंने लिंकेज के बारे में उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया या वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन ऑफ लिंकेज वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन द प्लांट, जो लिंकेज था फर्स्ट टाइम कौन से प्लांट में ऑब्जर्व किया गया था? ऑप्शंस गिवन आपके पास, लेथरस ओडोरेटस, बी है पाइसम सेटाइबम, सी है धतूरा और डी है मेरा विलेज जलापा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेथरस ओडोरेंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिंक्ड जीन डज नॉट फॉलो, ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के जैसा है। तो उसमें आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को लिंक्ड जीन फॉलो नहीं करता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिंकेज रिजल्ट इन, फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ मोर डोमिनेंट फिनोटाइप्स, बी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ मोर वाइल्ड फिनोटाइप, सी है फॉर्मेशन ऑफ मोर पेरेंटल फिनोटाइप और डी है आपका फॉर्मेशन ऑफ मोर रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। तो जब आपका पेरेंटल फिनोटाइप मोर पेरेंटल फिनोटाइप का फॉर्मेशन होता है तो लिंकेज बनता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मेशन ऑफ मोर पेरेंटल फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिनन इन विच जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब सेम क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं तो उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपल्सन एंड कपलिंग आर टू फेसेस ऑफ, रिपल्सन एंड कपलिंग जो होता है वो लिंकेज का दो पार्ट होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज हैज बीन रिपोर्टेड इन, कंप्लीट लिंकेज आपका ऑप्शंस गिवन है, मेज, बी है ह्यूमन फीमेल्स, मेल ड्रोसोफिला एंड डी है फीमेल ड्रोसोफिला। तो फर्स्ट टाइम कंप्लीट लिंकेज जो देखा गया था वो मेल ड्रोसोफिला में था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द लिंकेज ग्रुप इन मैन आर, थोड़ा समझिएगा, समझने वाला क्वेश्चन है। मेल में आपको पता है 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम, तो आपके 22 तो लिंकेज यहां से आ गए लिंकेज ग्रुप और दो लिंकेज ग्रुप यहां से आ गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 24, तो आपका 24 राइट आंसर हो जाएगा। बट यहां पे अगर फीमेल होती, द लिंकेज ग्रुप इन फीमेल, तो क्या हो जाता आपका, 20 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस वन पेयर ऑफ एक्स, तो आपका 23 ग्रुप आ जाता। ठीक है, लिंकेज ग्रुप तो फीमेल केस में 23 होगा लेकिन यहाँ पे मैन का पूछा है तो 24 होगा। क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम अलग अलग हैं तो इनके टू पेयर बनते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लिंकेज ग्रुप ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड एल्बिनिज्म इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम. ये आपका ऑप्शंस गिवन है 10, 11, 12 एंड 13. ये जितने भी सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया है, एल्बिनिज्म है, ये सब क्रोमोसोम 11 में प्रेजेंट होते हैं. तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीन लिंकेज मिनिमाइज द चांस ऑफ. ऑप्शन की बने क्रॉसिंग ओवर, बी है सेग्रीगेशन, सी है आपका रिकॉम्बिनेशन और डी है असॉर्टमेंट. क्वेश्चन गिवन है द जीन लिंकेज मिनिमाइज द चांस ऑफ, तो आपका रिकॉम्बिनेशन चलते होता है. तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, रिकॉम्बिनेशन. जीन ए एंड बी आर लिंक्ड जीन. ए और बी क्या है, आपका लिंक्ड जीन है. ए एंड बी लिंक्ड जीन है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग गैमिट शो रिकॉम्बिनेशन. अगर ए और बी लिंक्ड है तो आपका ए और बी ही तो शो करेगा आपका लिंकेज. तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए एंड बी, ठीक है. देयर इज 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बिटवीन टू जीन. टू जीन, सपोज कोई भी टू जीन है, कोई ए है एंड बी है, ठीक है. आपका दो जीन है, सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है, ए और बी है और उसके बीच, सॉरी ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है. तो आपका ए और बी है, इसके बीच में आपका फ्रीक्वेंसी 30% दे रखा है, 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. अब आपको ये समझना होगा, अब पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इन यूनिट मैप. अब ये समझना होगा आपको कि एक यूनिट मैप इक्वल्स टू 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है. तो 1% वन यूनिट मैप इक्वल टू 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन. तो 30% रिकॉम्बिनेशन दिया है तो कितना हो जाएगा आपका, 30 यूनिट मैप हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट. देर आर 80% पैरेंटल एंड 20% रिकॉम्बिनेंट इन अक्रॉस इट्स रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है. अब देखिए समझने वाली बात है, इन द गिवन केस 20% रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनिस अकर्ड सो इट्स रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 20%. ये 20% आपका रिकॉम्बिनेंट है और जितना रिकॉम्बिनेंट होगा उतनी ही आपकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी होगी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी होगी. तो आपका 20% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इन ड्रोसोफिला मेल देयर इज अ कंप्लीट लिंकेज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. इसके बीच ऑप्शंस गिवन है, द जीन्स आर वेरी क्लोजली लोकेटेड, कपलिंग थ्योरी, नो सिनॉप्सिस. यहाँ पे इन ड्रोसोफिला मेल देयर इज अ कंप्लीट लिंकेज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. यहाँ पे सिनॉप्सिस नहीं हो रहा है, तो सो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नो सिनॉप्सिस.